बात है, बहुत अच्छा भैया। अच्छा बाबूजी, आदिति म्यूजिक रिकॉर्डिंग लालगंज आजमगढ़, सुनील कुमार गौतम बाबा के देख रेख में इस गीत को हम प्रस्तुत करते हैं। और आशा ना बल्कि पूर्ण विश्वास बा कि आप लोगों के गीत जरूर पसंद आई। हम बिरहा गायक राजेश प्रजापति आवा मास्टर भैया तनी की ज्योति कथानक के सायब और लहू से जिसको सजाना पड़ेगा। कोरा चल है माँ का अब कोरा रहेगा, और जननी की बेड़ी छुड़ाना पड़ेगा। आन है मान है शान सम्मान है, दूध का कर्ज माँ का चुकाना पड़ेगा। कटे जिस्म की धज धज्जी भले ही अब गुलामी की बेड़ी छुड़ाना पड़ेगा। ए बाबूजी, जिस समय हमारे इस भारत भूमि पर अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेज इतना आतंक मचा रखे थे बाबू, बच्चों का शीश काट करके भाले की नोक पर लोक लिया करते थे। देख करके हमारी भारत माँ बड़ी दुखित हुई और रो करके अपने नौजवान साथियों से संदेश देती हैं। कौन संदेश देली? कव्वाली का लाइन मास्टर वो भी तो प्यारा। लेकिन बिरहा में भाव कवि जी लिखत हूँ, कहा नाम बका कि इतिहास नमन करता पीरों की जवानी। लवान
यही से कहानी के शुरुआत लगे मास्टर भैया नजम का लाइन हवा लिखा जो लहू से इतिहास मेरा रोता है लिखा जो लहू से इतिहास मेरा रोता है समय से 1922 का याद होता है क्रांति की ज्वाला क्या बात है क्रांति की ज्वाला भारत में जाके अड़ी जिला बिजनौर में माता की ममता जाके नौजवान ब्रिजन सिंह की नौजवान ब्रिजन सिंह की बाहें लगाई है बेदना रोम रोम जोश को जगाई ज्वालामुखी नौजवान बघेला है बन गया ज्वालामुखी नौजवान बघेला है साथ में राजू यादव था उनका सहेला हे बाबू कहानी के समतला बिरहा अपने आप स्पष्ट हो जाए बिजनौर का रहने वाला जिसका नाम था ब्रिजन सिंह उम्र 18 साल स्कूल में पढ़ाई करता था माई का नाम पार्वती बाबूजी दुनिया छोड़ के चल गए ललन उसका एक साथी राजू यादव दोनों साथ में पढ़ते थे बाबू लेकिन जब माई देख ली कहले कि धन्य हुआ बेटा तू तो हर दोस्ती बड़ी सच्ची हो एक दिन के बाबू बात है स्कूल से राजू यादव और ब्रिजन सिंह दोनों पढ़ के जब लौटलन घरे की ओर रास्ते में देखत का हुआ बिरहा में गीत लगे बाकी वह गीत का लाइन हमारे मास्टर भैया के संकेत हो बानकी बतावत थी कि अरे जब से सिपाही से पहला हवलदार हो नथुनिया पर गोली मारे इतना तजबा लेकिन वो दोनों लड़का जब स्कूल से चलल हुन घरे की ओर तब का कहलन कि अरे पढ़ी के कले जावा से पढ़ी के कले जावा से लौटे हो नहार हो मगन चले रहिया में देख अत्याचार हो मगन चले रहिया में रास्ते में बाबू देखत हुन के एक बुढ़िया मतारी बैठल हैं लेकिन दो अंग्रेज एक दाहिने एक बाहे दोनों हाथ पकड़ के जमीन पर घसीट रहे हैं और देखते बाबू दोनों बच्चों का खून खोल उठा आंख बबूला हो गए कहने है का घसीटल बुढ़िया के अंग्रेजी सिपाहिया रोई रोई बुढ़िया माई रोई रोई बुढ़िया माई देत बा दोहाइया चल नहीं चारा सोचे चल नहीं चारा सोचे मितवा जुझार हो मगन चले रहिया में देख अत्याचार हो मगन बाबू देखलन कि दो अंग्रेज पकड़ के बुढ़िया माई के जमीन पर घसीटत हुआ जौन बस्ता रल झोला टंगले रहलन कांधे पर वही झोला से मारत मारत दोनों अंग्रेजन के धारा शाही कर दलन बुढ़िया माई के उकरे घरे पहुंचा के कलन की माई
तू अपने घरे आराम से रहा। दोनों लड़का वही जैसे क्रांतिकारी बन गिलन बाबू। बिरहा में गीत लग गिल मास्टर जी। अरे वाह क्या बात की। अरे आने वाले आ गए, समझाने वाले आ गए, जननी की बेड़ी, अरे जननी की बेड़ी छुड़ाने वाले आ गए। आने वाले आ गए, समझाने वाले आ गए, जननी की बेड़ी छुड़ाने जननी की बेड़ी छुड़ाने वाले आ गए। कहते हैं क्या कहते हैं बाबू। अब ना देरी लगेगी, तेरी अर्थी उठेगी, तुझसे धरती उठेगी, मेरी बोली चलेगी। फड़काने वाले आ गए, फड़की है ज्वाला, फड़की है ज्वाला, फड़काने वाले आ गए। हे बाबू, लड़का कहलन की घबरा जी, तोलन का समय बहुत करीब हो, हमारा भारत छोड़ो, यहाँ से अपने लंदन को जाओ। अब तुम लोगों को यहाँ रहना ठीक नहीं है, काम खत्म हो गया। तुम लोगों का एक लाइन बिरहा में गीत लग गया मास्टर बाबू। अब आता दिखाई बिरहा का कुछ रोचकते और गंगाधर भैया मास्टर का कोनो जोड़ ना हो। यहाँ से लेके बंबई तक वह गीत संकेत कैलन है। हम के सावरी रंग मन ही न भाव, हे हो सावरिया, हम के सवरी रंग मन ही न भावे, हे हो सांवरिया, दिलवा में जगह देदा, दिलवा में जगह देदा, काकारी गोर करिया, रहो जहो लेकिन बाबू हमारे भारत हमारे देश का जवान ब्रिजन सिंह और राजू यादव ये कसम खा के चलल हुआ। कौन कसम खेलन भैया? खाई के कसम चल जननी कसरवा लेके पिस्तावलिया, अरे खाई के कसम चले जननी कसरवा लेके पिस्तावलिया, बोल ले जय हिंद बोलिया, बोल ले जय हिंद बोलिया, सनन सन सन की बोलिया, आवाज लगा करके बाबू। जिस समय नौजवान ब्रिजन सिंह और राजू यादव चलते हैं, पहुंचलन कहां? चौक मोहल्ला जहां चवराहा,
ईडन गवर्नर, क्या बात है, ईडन गवर्नर जन गवर्नर सभा था सवारा, पिरवन की लगली कतरिया, पिरवन की लगली कतरिया, सदा सर सन की बोलिया। बाबू जौने समय बाबा चौक मोहल्ला चौराहे पर पहुंच जाते हैं, ईडन गवर्नर का कैंप लगा था, उस समय बाबू भाषण देने के लिए जब मंच पर चढ़ा, उस समय राजू यादव और बृजन सिंह फेंक देते हैं बम को, उस समय बाबू बम के फेंकले हुए बिरहा में एक ठे गीत लगे मास्टर बाबू। गीत का लाइन बा कि अरे झोलनी पौलनी, अरे जहाजिया उड़ादा, ये तो तर्ज बा, लेकिन बिरहा में कवि जी बड़ा सुंदर भाव लिखत हूं, अरे पहुंचे सभा के बीच, अरे माई के जवनवा मचाई दिया हो सभा गवर्नर पकैले प्रहर हो, ढंगलाया ईडन मचल हाकार हो, अरे भैल फरार तू, भैल फरार तू नोरी जवानवा बचाई दिया हो तमाम, हे बाबू जौने समय बम फेंक के दोनों जवान दू ओरी भागत हुन, तब तक बाबू बृजन सिंह को ठोकर लग गया, गिर पड़ता है बृजन सिंह, अंग्रेज गिरफ्तार कर लिए, हाथ में हथकड़ी पांव में बेड़ी डाल देते हैं, डाल के बाबू जेल में ले जाके बंद कर दिलन, राजू यादव तो भाग निकला, बिरहा शैली टेरी में कभी लिखत हूं, परवाना जिंदा बाद हो गया, पाके करुण बदना छल उठा जाना पर हे बाबू परवाना जिंदा बाद हो गया, पाके करुण बदना छल उठा जाना पैमाना जिंदा बाद हो गया, जौने समय बाबू जब चलल हुआ दोनों दू ओरी, बृजन सिंह तो पकड़ गईलन, राजू यादव भाग खड़ा हुआ, लेकिन भयल का उस नमक हराम जीवन सिंह का, उस नमक हराम जीवन सिंह का जब नाम कान में आया है, गरमा उठा नहर का रक्त, दिल में सपना सजाया है, उस नीच कमीने पापी को, उस नीच कमीने पापी को बेशक जब सबक सिखाना है, ललकार उठा जब देश के बागी, हौसला अपना बढ़ाया है, हे बाबू पता लगा लिया कि आखिर में अंग्रेजों का मुखबिर कौन है, नाम जीवन सिंह का आया,
यही अपने हिंदुस्तान अपने भारत का रहने वाला जीवन सिंह अंग्रेजों को मुखबिरी करता था। अंग्रेजों की ही मुखबिरी से बृजन सिंह पकड़ा गया। बाबू मौका लगा के पहुंच गए उनके बंगला पर, सुतल हलन रिवाल्वर में छह फायरिंग का गोली रहल, अच्छा का छह उनके सीने में उतार दे, जा मम्मा दुनिया से विदा हो जा, जा मजा करा अब तू। हाँ लेकिन बिरहा में भाव लगल मास्टर भैया, वह गीत है बिरहा का बानगी हो कह नाम बा, अरे कस के कमर बहुत कमरा बहादुर चल नौजवान हो जवनवा सर पर सो है कफना, बहुत बगल ऊपर जाई तबले साधन सान आयल तौने छानवा हो जवनवा सब तो है कफन, जौन समय जीवन सिंह के मार के राजू यादव भागना चाहता है तब तक से बाबू अंग्रेज घेर लिए, और जब चारों तरफ से अंग्रेज घेर लेते हैं तर तर गोली चले लगल, बृजन सिंह के एक गोली जाके छाती में लगल, अधराशायी हुआ, अलविदा हो गया इस दुनिया से। लेकिन हर अंग्रेज कैलन है का विदेशिया कला मास्टर बाबू, अरे 14 जनवरी सोना ये बाबू 23 का दिन आवा, और सारा बिजन और डूबल दुख के सागरा, बंद कट घरावा में, अरे जगल जंजीरिया में ये भारत कचरा, ऐ बाबू एक तरफ भूखा शेर रखा गया है पिजड़े के अंदर, एक तरफ बिजन सिंह खड़े हैं, अंग्रेज ऐलान कर देते हैं आज के चौथे दिन बिजन को चौराहे पर चौक चौराहे पर शेरों से फड़वा दिया जाएगा। जब इतनी बात बूढ़ी मतारी पार्वती सुन लीन आंख में आंसू आ गए, एक सिंघनी मतारी का बेटा शेर, शेर का शिकार कभी शेर नहीं करता। पापट का लाइन मास्टर भैया, अरे माई पार्वती बन गली सिंघनिया हमारे बीरना, अरे के पिस्टल पहुंचल तौने जुड़िया हमारे बीरना, जन्म जग में पवली भारी हम सब बनवा हो,
अरे भागल जैसे सर मापी दिसे लगिया हमारे पीरना अब दुश्मन का कर है दया की कहानिया हमारे पीरना। अरे बाबू बाबा जौने समय आवाज देती है माता, घबराना नहीं बेटा मैं आ चुकी हूँ, घबराए के जरूरत ना, हम आ गए ही तोहार शेर शेर शिकार न करी। आल्हा कलाइन मास्टर भैया बाबू, चार गोली से चारों अंग्रेजों को मारती है, पांचवी गोली शेर को मारती है माँ, छठवीं गोली बच जाती है, माँ और बेटे एक साथ अपने सीने में मार करके इस दुनिया से अलविदा हो जाते हैं। बिरहा में खड़ी का लाइन कभी जी लिख ले हूँ। शिकार कैसे करिए लुटा गिरावा प्रथम गोली शेर कुमारी माँ पार्वती महारानी, चार गोली से चार अफसरों की माँ गर्द निगरानी। तब पांचवी ब्रिज के सिरवा न लुटाए बाबू। प्रथम गोली शेर को माता मारती है, चार गोली से चार अफसरों को मारती है, अंत में एक गोली बच जाती है, माँ और बेटे इस दुनिया से अलविदा हो जाते हैं। कहानी समाप्त, गुरु घराने का परिचय। गुरु बिहारी गुरु पत्तू बरसाती जी मर पावा मुनिलाल कभी कला के गीत सुहावन और परवान चिंता बाद हो गया राजस्व लाल लिखते पीरों का गाना परवान चिंता।